विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है। देश विदेश से सैलानी कुल्लू मनाली की वादियों में पहुंच रहे हैं। इसी के चलते जिला कुल्लू के विभिन्न स्थानों पर लग्जरी टैक्स चोरी के मामले भी बढ़ गए हैं। कुछ होटल संचालक पर्यटकों को 3-4 दिन के लिए कमरा देता है और 10% लग्जरी टैक्स बचाने के चक्कर में रजिस्टर पर केवल 1 या 2 दिन ही चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों पर आबकारी एवं कराधान विभाग की कड़ी नजर है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने करीब 1 महीने में लग्जरी टैक्स के दर्जनों मामले पकड़े और टैक्स चोरी करने वालों से करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले सप्ताह आबकारी एवं कराधान विभाग की टीमों ने पर्यटन नगरी मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में होटलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भी लग्जरी टैक्स चोरी के दर्जनों मामले सामने आए। ऐसे लोगों से आबकारी एवं कराधान विभाग ने करीब 10 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त रमेश शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान लग्जरी टैक्स चोरी करने वालों पर विभाग की कड़ी नजर रहती है। होटलों और अन्य संस्थानों में दबिश देने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें समय समय पर होटलों का निरीक्षण करती हैं और दोषियों से जुर्माना वसूला जाता है। हाँ, ये पर्यटन सीज़न में हम ऐसा वो रखते हैं कि 2 या 3 टीमें हम इस तरह से बना लेते हैं और उसमें करीब करीब हमने पीछे जो ये किया है 2-3 इंस्टांसिस पे, तो उसमें करीब को 25 लाख रुपए हमने पेनल्टीज लगाई हैं और वो रिकवर भी की है। और साथ ही अभी जो पिछले हफ्ते ही जब हमने सारा चेकिंग का शेड्यूल बनाया था तो 2 टीमें हमने उसमें लगाई थी, तो उसमें करीब करीब 10 लाख के आसपास की पेनल्टीज़ लगाई हैं और रिकवर भी कर ली हैं। आगे भी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जितना भी ये पर्यटन सीज़न के दौरान अभी भी 2 टीमें हमारी हमेशा ही वहाँ रहती हैं, तो बाकी हम यहाँ से भी कुल्लू से भी लोगों को तैयार करके उनको यहाँ से उसके लिए डिप्लॉय करते हैं। तो उस इसमें हम ये देखते हैं कि टैक्स का कोई लग्जरी टैक्स का ही बेस ना हो और साथ साथ में वैट से संबंधित भी जो ये होता है वो वहाँ भी इवेजन करते हैं लोग, क्योंकि जैसे कमरे किसी ने जो कस्टमर है वो ठहरा है 4 दिन के लिए तो वहाँ 1 दिन की एंट्री है, तो हम उसका किचन के उससे ऑर्डर से पता लगा लेते हैं कि भाई इस रूम के लिए कितने टाइम के लिए सामान गया है, कुछ खाने पीने का सामान गया है, तो उसे पकड़े जाते हैं। उस वजह से फिर वो पेनल्टी उनके केस डिसाइड करके उनको पेनल्टी लगाई जाती है। ये रांगड़ी में फिर लॉ घट एरिया में और थोड़ा शुरू वगैरह इधर का जो एरिया है अलियू वाला, इसमें ये की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।